यहाँ पे मेरे को मिले हैं भाई स्विगी वाले। और भाई कैसे हो? पहले तो हाथ मिलाओ, ठीक है? तो गाइस मैं ना मतलब स्टोर पे काम कर रहा था और यहाँ पे मेरे को भाई मिले स्विगी वाले, तो इनके पास शायद थोड़ा सा टाइम था। मैंने बोला 5 मिनट निकाल लो आप मेरे भाई, कहा आपको भी नहीं था। 5 मिनट मैंने इनके मतलब लिए कि भाई जान लेते हैं कि स्विगी में जो है चंडीगढ़ मोहाली के अंदर कैसा काम रह रहा है कैसा नहीं, तो पूरी बात जो है भाई बताएगा। और अगर बाई चांस आपको भाई की बात अच्छी लगे ना, तो भाई वीडियो को आगे शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक करके जरूर जाना। तो भाई से जानते हैं पूरी डिटेल। तो यहाँ पे भाई है, तो भाई पहले स्टार्टिंग करते हैं कि आपको स्विगी में काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? मेरे को 4.5 साल हो गए। आपको 4.5 साल? 4.5 साल इसकी टांग, मतलब इसी फील्ड में काम कर रहे हो आप, है ना? और किसी फील्ड में नहीं गए आप? नहीं, पहले प्रॉपर्टी का करता था। ओके, प्रॉपर्टी का करते थे। तो फिर मतलब प्रॉपर्टी को छोड़ के आपका क्या आया कि आपने स्विगी में आना है? फ्रीडम, फ्रीडम लाइफ चाहिए थी। और भाई ने जो है टीवीएस रखी हुई है। तो अच्छा, ये टीवीएस आपको कितने की माइलेज दे देती है? और साथ में ये अभी दे रही 70 की। 70 की माइलेज जो है टीवीएस दे रही है भाई को। तो मेरे को ना मतलब कई बंदे ऐसे बोलते हैं, जैसे दिल्ली से भी कई कमेंट कर रहे हैं, राजस्थान बिहार उधर से भी सारे बंदे, मतलब जहाँ जहाँ इनको पता नहीं है। और कई बोलते हैं हम इस फील्ड में चले जाते हैं, इसमें ज़्यादा पैसा है, उसमें चले जाते हैं, इसमें ज़्यादा पैसा है। तो आप स्विगी का अपना जेन्युइन ओपिनियन बताओ, कुछ ऐसी बातें बताओ जो आपको सबसे बेस्ट लगती है स्विगी की। मतलब हर किसी ने अपना अपना ओपिनियन दिया होगा, हर कोई आजकल आपको पता ही है कि कईयों ने वीडियो जो है पोस्ट करी होनी, बट आप अपना जेन्युइन ओपिनियन बताओ, मोहाली चंडीगढ़ के अंदर आपका कैसा काम है? मोहाली चंडीगढ़ के अंदर बहुत बढ़िया काम है। ओके, और काफी अच्छी अर्निंग करते हैं, पर टाइम थोड़ा बहुत देना पड़ता है। कितना मैक्सिमम आप कितने घंटे जो काम करते हो इस फील्ड में? 12 घंटे काम करता हूँ। आप 12 घंटे काम करते हो? तो गाइस यहाँ देख लो, मतलब भाई का बैग भी घिस चुका है 4 सालों से। आपने चेंज नहीं करा ना बैग? नहीं, इसको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए गाइस। तो मतलब हो जाती है ऐसी हालत, क्योंकि रेगुलर काम करना तो फिर आपको पता ही है कि ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे जो है भाई ने ये भी चीज लगवाई हुई है। तो अब ये बताओ कि आपकी टाइमिंग क्या है, सुबह से मतलब शाम तक कितने बजे तक आप काम करते हो? नहीं, 10 से 9 है। 10 से 9 है, लेके रात को 9 बजे तक। और अभी जो है भाई को ऑर्डर भी पड़ गया है यहाँ पे, ये देख लो भाई, दिखाना ब्राइटनेस करके कैसे पड़ता है ऑर्डर इसका। ये देखो यहाँ पे 49 रुपीज का ऑर्डर पड़ रहा है भाई को। हाँ जी, 28 रुपए वापसी का मिलेगा। अच्छा, ये देखो गाइस 28 वापसी के रिटर्न के। तो यहाँ से भाई ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ना जल्दी जल्दी मेरे को बता दो कि इसमें टाइमिंग क्या रहती है और क्या प्रोसीजर रहता है? टाइमिंग सबका अलग अलग, शिफ्ट होती है, शिफ्ट पूरे करने। ओके, कितने बजे से शिफ्ट शुरू हो जाती है? शिफ्ट 5:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है। ओके, 6 से 4 है। ओके, और एक 8 से 6 है। ओके, एक 10 से 9 है। 10 से 9। और आप कितने घंटे काम करते हैं इसमें? आपने कौन सी शिफ्ट रखी हुई है? 12 घंटे काम करता है डेली का। ओके, 12 घंटे काम करते हो आप डेली का। तो मेरे को ये बताओ कि जैसे लोग बोलते हैं कि इसमें इंसेंटिव वगैरह मिलता है, क्या सच है? मतलब कितने ऑर्डर लगाने के ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा? इसमें मिलता है 22 ऑर्डर पे मिलते हैं 1050, और अपना 24 में मिलता है 1300। 22 ऑर्डर लगाने पे 1050 रुपए अर्निंग हो जाती है। और आप डेली कितने ऑर्डर लगा लेते हो? 1300 का काम डेली, मतलब डेली 1300 का काम। और 1300 रुपए में अगर हम इंसेंटिव को छोड़ के अगर वैसे बात करें तो कितने अर्निंग हो जाती है? अर्निंग नॉर्मल वही 500-700 होता है, लेकिन इंसेंटिव मिला के 1300 पूरा कर देते। मतलब आपने फिक्स रखा हुआ है टारगेट। और एक चीज ये बताओ कि क्या इसमें स्विगी में घंटे कंप्लीट करने पड़ते हैं कि फ्रीडम वाली लाइफ है? नहीं नहीं, इसमें आपको घंटे कंप्लीट करने पड़ेगी, ये कि पैसे ज्यादा मिलते हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये। ओके, कोई बोलने वाला नहीं है ना। और इसमें जो ज्वाइनिंग फीस है वो कितनी लगती है? इसमें अभी तो मेरे हिसाब से 1000 रुपए। कितने? 1000 रुपए होंगे शायद। 1000 रुपए जब थी ज्वाइनिंग उस टाइम 500 था। ओके, तो मतलब 4 साल हो गए हैं, वैसे भी अभी 1000 रुपए है ना। तो इसके साथ बैग वगैरह टी शर्ट वो कितने की मिल जाती है? एक बैग मिलेगा, एक रेनकोट मिलेगा, 1000 रुपए में सब कुछ इंक्लूड है ना। तो ये चीजें आ जाती है। और ऊपर से मतलब मैक्सिमम 10 घंटे आप ड्यूटी रख लो ना, सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है काम। और क्या स्विगी में काम जो है वो प्रॉपर रहता है, मतलब 24 घंटे ओपन रहता है? 24 घंटे जो है भाई बोल रहा है काम ओपन रहता है। तो यहाँ चंडीगढ़ और मोहाली की अगर बात करी जाए तो आप बताओ आपके हिसाब से मतलब काम करना बेस्ट है कि नहीं? बहुत बेस्ट है भाई। पुलिस का कोई चक्कर तो नहीं रहता इसमें? पुलिस वाले हमें कभी नहीं रोकते। जैसे इन ड्राइव रैपिडो वालों का अभी चल रहा है डिस्प्यूट, तो क्या फूड डिलीवरी में ऐसा डिस्प्यूट है आपके हिसाब से? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप अपने हिसाब से ये बताओ कि मतलब अगर हम वीकली 10 घंटे या मतलब रेगुलर अपनी शिफ्ट जो है कंप्लीट करते हैं तो हम एक हफ्ते में कितने रुपए अर्न कर सकते हैं? वैसे आप डेली करते हो काम, अगर पूरा शिफ्ट पूरा करें या ऑर्डर पूरा करते हो तो आपको तकरीबन 11 से 11.5 हज़ार रुपये वीकली मिलता है। वीकली 11.5 हज़ार रुपये आप अर्निंग कर सकते हो आराम से, है ना? वो भी टेंशन फ्री होके।
और आपके जो कितने 24 ऑर्डर बताए आपने, 24 ऑर्डर आपके कितनी देर में कंप्लीट हो जाते हैं? 12 घंटे में 24 हो जाता है, 10 में भी हो जाता है वो दिन के हिसाब से। और आपको रेगुलर ऑर्डर पड़ते रहते हैं कि ऐसे बेला बैठना पड़ता है? बेला उठना ज्यादा नहीं होता, एक डेढ़ घंटा तो बैठना ही पड़ता है कहीं ना कहीं जाके। ओके, नहीं होता जब काम स्टार्ट हो जाते बैठना पड़ता, मतलब फिर रेगुलर चला ही रहता है सिस्टम, है ना। और गाइस यहाँ पे जो है मुझे भी ऑर्डर आ चुका है। और एक चीज पहले ना मैं ऑर्डर उठा लूं भाई, है ना, फिर आपसे ना एक बात लास्ट पूछनी है मैंने। ये देखो यहाँ पे गाइस मुझे भी ऑर्डर आ चुका है, तो इसे मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो भाई मेरे को ये बताओ कि मतलब बेल एंड बेस्ट वो चीज बोल सकते हैं इसे? तो अगर मैं आपको आपको कहूँ कि आप स्विगी में आके काम कर लो तो आप कर पाओगे? स्विगी में काम, सॉरी ब्लिंकिट में आके काम कर लो? नहीं, ठीक है। तो गाइस जैसे कहते हैं ना मन लगाना भाई, मन लगाना पड़ता है ना भाई। बिल्कुल। अब जैसे मुझे अगर भाई बोलते ना कि स्विगी में आके काम कर ले, तो भाई मैं अब क्या बोलूंगा? नहीं। रीजन भाई ये बताओ कि आपको क्या एक ही जगह काम करना होता है कि आपने पूरी सिटी घूमनी होती है? ये चीज इधर बताओ। पूरी सिटी घूम लेते हैं हम, चंडीगढ़ भी घूम जाते हैं, चंडीगढ़ मोहाली सारे पास। मतलब ये चीज है कि अगर स्विगी में आप निकले हो ना, तो ये सोच लो आपकी जहाँ जहाँ भी ऑर्डर पड़ेगा ना आप जाते जाओगे। बट हमारे फील्ड में ये है कि आप एक ही जगह सामान उठाओगे, 6 किलोमीटर तक जाओगे, वापिस स्टोर में आ जाओगे। तो मुझे यार ब्लिंकिट में काम करना अच्छा लगता है। बट भाई का जो ओपिनियन भाई ने बात शेयर करी है ना गाइस, इसके लिए यार भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना भाई, आप भी बोल दो यार लाइक कर दो। और लोग यार कम सपोर्ट कर रहे हैं भाई, आगे वीडियोस को शेयर ही नहीं करते भाई, शेयर भी करा करो यार, हैं बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलते हैं हम भी काम कर लेते हैं भाई भी। यार मेरे लिए भाई ने 5 मिनट गाल दिए अपने ऑर्डर को लेट कर रहा है भाई, तो भाई थैंक यू सो मच। तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई, चलो यार मैं भी चलता हूँ फिर, है ना, ऑर्डर लगा लेता हूँ। तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर।